भाई बेटा, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको एक पार्ट शेयर किया और उसमें आपको वेव इक्वेशन के बारे में बताया कि जहां भी स्ट्रिंग की बात आती है वहां वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन यूज होती है। और मैंने उससे पहले पार्ट में कहा कि देखा आपने वो करीब वीडियो 30 मिनट के आसपास की वीडियो बनी है मेरी। अब मैं जो वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ वो छोटी छोटी भी है और आपको बिल्कुल A to Z काम पुरानी प्रीवियस से चलेगा ही चलेगा। और मैंने उस पूरी वीडियो को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था और बताया था कि आप जो है क्वेश्चन को A to Z नोट कर लीजिए और मैं पीछे वाली वीडियो में कुछ चीजें मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि तो मुझे पूरा पूरा काम, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक मेरा काम एज इट इज चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 तक का हमारा काम पीछे वाली वीडियो से आप कॉपी कर लीजिए, बिल्कुल बात A to Z समझ में आ जाएगी 100%। और मेथड इतनी जल्दी आपकी समझ में आ जाएगा, आप खुद कहोगे सर इससे बढ़िया हमें मेथड नहीं दिखाई दिया। और हमारा क्वेश्चन मुश्किल से आधे घंटे में हमने पूरा पूरा पेपर के अंदर क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व कर लिया है। और कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा इंटीग्रल चलेगा। इंटीग्रल को भी हम बहुत आसान तरीके से आपको समझाने जा रहे हैं। पहले वाले में भी हमने शॉर्ट ट्रिक से समझाया, यहाँ भी हम उस बात को शॉर्ट ट्रिक से समझाने जा रहे हैं। अब मैं एक बार ऊपर आपके पास क्वेश्चन लिखा है, एक बार उसको पढ़ देता हूँ सवाल के लिए। ए टाइट स्ट्रेस स्ट्रिंग विद फिक्स्ड एंड पॉइंट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ए। स्टार्टिंग में आपको x इक्वल टू 0, देखो जी x इक्वल टू 0 आपका ये रहा और x इक्वल टू ए हमारा ये रहा, x इक्वल टू ए गिविंग बाय y बराबर y0 साइन 2 पाई x अपॉन m। मैंने उस पीछे वाले पोर्शन में कहा था, मैंने मिटा भी दिया था और कहा था कि चौथी पोर्शन चेंज होगी और बाकी कुछ चीज चेंज नहीं होगी थी। y का क्यूब साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन इक्वेशन नंबर, हर पेपर चीज में आपको नया नया प्रेजेंटेशन होता रहेगा और दिमाग से आपकी बातें क्लियर होती रहेगी। सवाल के जहां वेलोसिटी की बात दे रखी होती है, जहां वेलोसिटी दे रखी होती है वहां वेलोसिटी यूज होती है और ये वाली वैल्यू कंडीशन जीरो होती है। इनमें 100% एक श्योर होती है, एक कंडीशन जीरो जरूर बनेगी, वो भी न्यूमेरिकल आपके आगे प्रेजेंटेशन होने जा रहे हैं, जिनमें डेल वाई ओवर डेल टी की वैल्यू आपकी कुछ होगी और ये फंक्शन जीरो होगा। लेकिन इक्वेशन नंबर इससे ऊपर वाली क्वेश्चन तक एज इट इज काम चलेगा ही चलेगा जी, है ना जी, वो काम तक चलेगा ही चलेगा जी। आपकी नौवीं क्वेश्चन तक का काम एज इट इज चलेगा जी, ठीक है जी। तो हम वो नौवीं क्वेश्चन तक फिर दोबारा एक बार फिर दोबारा से मेथड को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हम बार बार कॉपी करते रहेंगे तो आपको ये दिक्कत आएगी। जब हमारे पास यहाँ ये चीज चेंज होगी हम पूरे दोबारा मेथड को दोबारा से पूरा मिटा के आपको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। पूरा एक बार फिर पूरा पूरा सॉल्यूशन हम आपको फिर भेज रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास सवाल के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 11 तक काम है, मैं बार बार बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 11 तक का काम कहाँ से आया, इससे पहले पार्ट से आप जरूर देख लीजिए, है ना जी। उसमें हमने तीन कंडीशन को यूज कर चुके थे, ये भी यूज हो गई, ये भी यूज हो गई और ये भी यूज हो गई, ये यूज तीनों की तीनों हमारी यूज हो गई, ये भी यूज हो गई, ये भी यूज हो गई, तभी क्वेश्चन नंबर 11 तक हम आए थे। अब हमारे पास बची ये वाली बात, अब हम कहेंगे जी पुट टी बराबर जीरो इन क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में हमने ये वैल्यू जीरो के बराबर कर दी, एन इक्वल टू बी जीरो सी वन। मेरा टारगेट आपका ये है कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चनों को मैं शेयर कर दूं और जिससे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है जी। वाई जीरो साइन का 2 पाई एक्स अपॉन एन, जितने भी मैक्सिमम आपकी बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं मैं आपको उनको उनको शेयर करने जा रहा हूँ आपके लिए भी, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को हमने पहले ही बताया, इसको हम क्या कर लेते हैं एफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होता है द फोरियर, हमेशा क्या बनती है फोरियर साइन सीरीज इज गिवन बाय, क्यों फोरियर साइन सीरीज बनती है, क्योंकि यहां पर साइन बच रहा है, यदि कॉस बचता है तो उसे हम कहते हैं फोरियर कोसाइन सीरीज। तो सी एन अपॉन टू अपॉन एन जीरो से एफ एक्स और साइन एन पाई एक्स अपॉन एन, ये फोरियर सीरीज के अंदर आपने फॉर्मूला एक पढ़ा है कि जो हमने आपको, ठीक है जी, वो ग्रेजुएशन लिमिट में आपने इस बात को पढ़ा होगा। तो सी एन बराबर कितना 2L अपॉन एन जीरो से एन, कितना y 0 और sin 2 pi x upon n और कितना sin n pi x upon n,
तो सी एन बराबर कितना, टू वाई जीरो अपॉन एन, जीरो से साइन टू वाई एक्स अपॉन एन और साइन एन वाई एक्स अपॉन एन पुट। सही, पहले आप ये करिए कि साइन थ्री थीटा होता थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन टू थीटा, पहले साइन टू थीटा को हटा दीजिए, तो साइन टू थीटा किसके बराबर होगा, थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा अपॉन, तो कितना आया जी टू वाई जीरो अपॉन एन, जीरो से एन कितना जी आपका थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा अपॉन, और साइन कितना जी आपका साइन एन पाई एक्स अपॉन, इसको भी कुछ कैंसिल कर दीजिए, तो वाई जीरो अपॉन कितना आ गया टू एल आ गया जीरो से एल। ध्यान से एक एक बात को ध्यान से सुनते रहिए, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू भी रख दीजिए, थीटा क्या था, थीटा था एक चल में नीचे लिख दीजिए पाई एक्स अपॉन, तो थ्री साइन पाई एक्स अपॉन एन माइनस कितना साइन थ्री पाई एक्स अपॉन एन और साइन एन पाई एक्स अपॉन एन, ये आपकी वैल्यू आ गई सी एन। मैं पहले भी सवाल में आपको बता रहा था, अब हम क्या करते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर एक मेंशन कर दीजिए 12वीं, और इसी क्वेश्चन नंबर करेंगे एन बराबर 1 2 3 4 इस तरीके से रखते रहेंगे, और हमने आपको बताया था कि क्या चीज होती है सवाल के अंदर, बात को ध्यान से सुनते रहना, अपने आप ही खेल समझ में आ जाएगा और आपको इतना आसान लगने लगे। लेकिन प्लीज मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, पहले पार्ट को पूरा पूरा नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, गारंटी की बात है, ठीक है जी। तो C1 बराबर कितना y0 अपॉन 2l 3 0 से l, ठीक है जी, 3 sin pi x अपॉन l माइनस sin 3 pi x अपॉन l और sin pi x अपॉन l, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब हमने इसी क्वेश्चन को फिर मिटा दिया, घर से मिटा दिया, क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा सारी बातों को, ठीक है, ये आप नोट करते रहिए, बातों को समझते रहिए एक एक बात। मैं फिर बता रहा हूँ कि जब ये पावर होल स्क्वायर होगी तभी ये वैल्यू निकलेगी, अदरवाइज ये वैल्यू अदरवाइज जीरो होगी, फिर देख लीजिए क्यों ऐसा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अभी हमें आंसर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम उसको फिर नहीं रख कर रहे, और हमारी बात समझ लीजिए, ठीक है जी। तो थ्री तो अभी हमारा भारी रखा नहीं, थ्री से यहाँ से हटा लीजिए, थ्री तो अभी अंदर ही है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करा, थ्री को बाहर लिख लिया, थ्री वाई जीरो अपॉन एन जीरो से एन, कितना आ गया जी हमारे पास साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एन। और एक रिजल्ट हमेशा ध्यान रखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ ऊपर कि जीरो से एन, फिर दोबारा से साइन एन पाई एक्स अपॉन एन, पर इतना मेंशन कर आओगे तो टीचर समझ जाएगा अपने आप ही कि भैया बच्चा इंटेलिजेंट है, इससे मंगा मत लो। m इक्वल टू n से ये वैल्यू जीरो होगी, तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, ये वाली सीधी सीधी वैल्यू क्या हो गई जी, तो 3y0 अपॉन 2l। मैंने पहले भी सवाल में आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाई थी, मैंने अब आपको फिर बता दूं कि मैं अभी बिना कुछ सॉल्व करे शॉर्टकट ट्रिक, आपको वहां भी जरूरत नहीं है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन एल आर, ये पूरे इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 2 अपॉन एल। चलो जी एक बार को और देख लेते हैं, आती भी है नहीं आती, तो 0 से एल, तो है ना जी एल बाई टू आया, एल बाई है ना जी, क्योंकि ऊपर एल है तो 0 से, देख लेते हैं एक बार, समझ लीजिए मेरी बात को ध्यान से। साइन स्क्वायर वन माइनस कितना कॉस टू पाई एक्स अपॉन एल अपॉन इंटू, तो थ्री वाई जीरो अपॉन टू एल, यहाँ हमारा क्या एक्स, यहाँ टू माइनस एल अपॉन टू पाई साइन टू पाई एक्स अपॉन एल जीरो से, साइन टू पाई जीरो होते हैं, थ्री वाई जीरो अपॉन टू एल, देख लीजिए साहब एल बाई टू आया नहीं आया, अरे आना ही है एल एल वाई को, आप टेंशन मत लो, बस कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा सवाल के अंदर, थ्री वाई जीरो अपॉन फोर, एक वैल्यू आपकी आ गई थ्री वाई जीरो अपॉन, ये वैल्यू आ गई सी वन, क्लियर।
अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, सी टू की। सी टू हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब अलग अलग होते ही ये वैल्यू क्या होगी, जीरो। सी थ्री निकलेगा, सी थ्री क्यों निकलेगा वो भी सुन लीजिए फिर दोबारा से। वाई जीरो अपॉन कितना, सॉरी ट्वेल्व, जीरो से थ्री साइन पाई एक्स अपॉन है माइनस साइन थ्री पाई एक्स अपॉन है और साइन थ्री पाई एक्स। तो मैंने आपको बात बताई सवाल के अंदर जब ये वैल्यू जीरो अलग अलग होंगी। देखिए फार्मूला, ये वाला फार्मूला हमारा अप्लाई हो गया और ये वैल्यू क्या हो गई, अलग अलग होगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। माइनस कितना, वाई जीरो अपॉन टू एल, जीरो से एल साइन स्क्वायर थ्री पाई एक्स अपॉन एल। तो माइनस सी थ्री आपका क्या आया, माइनस वाई जीरो अपॉन टू एल, जीरो से एल वन माइनस कितना कॉस सिक्स पाई एक्स अपॉन एल, है ना जी, और अपॉन डी। आना 100% ये एल बाई टू है, आना 100% ये क्या है आपका एल बाई टू है, फालतू में आप इसे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है जी। वो मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूं, एक बार सेटिस्फेक्शन हो लीजिए, ठीक है दोबारा से। तो ये वैल्यू हमारी सी थ्री माइनस वाई जीरो अपॉन ट्वेल्व एल एक्स माइनस एल अपॉन सिक्स पाई साइन सिक्स पाई एक्स अपॉन एल अपॉन टू, जीरो से एल, क्योंकि साइन सिक्स पाई जितने भी होते हैं साइन में ये वैल्यू जीरो होती है और ये वैल्यू फिर आ गई एल पाई। L से L कैंसिल माइनस के वाई जीरो अपॉन। अब ये सारी की सारी वैल्यू हमने कहां रख दी, क्वेश्चन नंबर वन में रख दी, क्वेश्चन नंबर इलेवन में रख दी, ठीक है। इलेवन में क्या कहा, y x कॉमा t बराबर कितना c1 sin y x अपॉन l और cos y c t अपॉन l, ये जीरो प्लस c3 कितना साइन पाई एक्स अपॉन एल और कॉस पाई सी थ्री पाई, है ना जी, थ्री पाई एक्स अपॉन एल थ्री पाई सी टी अपॉन। तो वाई एक्स कॉमा टी दोनों में चीज कॉमन आ रही है, वाई जीरो अपॉन फोर कॉमन ले लो थ्री, है ना जी, थ्री क्या वैल्यू आ गई, थ्री साइन पाई एक्स अपॉन एल कॉस पाई सी टी अपॉन एल। ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी, C3 की वैल्यू थी माइनस माइनस साइन थ्री पाई एक्स अपॉन एल और कॉस थ्री पाई सी टी अपॉन। आपकी बात समझ में आ गई होगी कितना आसान तरीके से मैं न्यूमेरिकल को प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ। वे भी क्वेश्चन बड़ी कहा जाता है भाई साहब ये है वो, अरे भाई साहब कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है। यदि आप मैथ को देखो पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन से और भी ज्यादा आसान हो जाती है क्योंकि उसमें ट्रिकी शुरू हो जाती है, एक जैसे सिमिलरिटी क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू में एक दो क्वेश्चन आपको दिक्कत कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ जी इस पार्ट में और एक क्वेश्चन और प्रेजेंट कर रहा हूँ और आपके दिमाग में ए टू जेड बात क्लियर होने जा रही है, और फिर मैं आपको पूरा एक सवाल पूरा प्रेजेंटेशन दूंगा बिल्कुल यूनिक तरीके से, ठीक है जी। दोबारा पूरे बोर्ड को मैं मिटाऊंगा जी, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और आपको इस तरीके का प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ जिससे हमारी बात आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं फिर मिटा रहा हूँ, देख लीजिए मैं जितना मिटा रहा हूँ उतना ही चीज आगे की चीज में छोड़ दूंगा जी आपको, ठीक है। आइए मैंने एक ये मिटाया जी गुड की वैल्यू को, इसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ को मिटाया, यूज लिखे रहेगा जिससे आपको पता दिखाई दे कि हाँ जी कि सर ने वही बात लिखी है जी हमारी, ठीक है जी। मैंने ये भी मिटा दिया, इसलिए आप दिखाए बच्चों को ये ना कहें कि सर ने बस खाली कॉपी कर दीजिए उतार के, ये आपको क्लियर करने के लिए मैंने ये चीज पूरी मिटा दी और मैं अब आपको क्वेश्चन मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद एक नया क्वेश्चन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये सब मैं आपको मिटाने जा रहा हूँ, ये कंडीशन मिटाने जा रहा हूँ आपके सामने, और एक क्वेश्चन और नया प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये तो फार्मूला हमारा यूज होगा ही होगा, इसे चाहे लिख के रहने दीजिए पुरानी आगे वाली स्लाइड के, ठीक है जी। तो एक बात का ध्यान रखिए, बहुत आसान तरीके से प्रेजेंटेशन को हम करने जा रहे हैं।
आप दो क्वेश्चन को बार बार कॉपी को पूरा पूरा उतार लीजिए, बस मेरी रिक्वेस्ट है। आप क्वेश्चन कॉपी पे आपके आ ही चुके हैं, उसको पूरा पूरा उतार लोगे पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहल तो हो जाना। और जितने भी क्वेश्चन वाला सबसे पहले अटेम्प्ट करिया ना उसे, और आपको गलती होगी नहीं, क्योंकि अब इसमें आपको बात क्लियर हो जाएगी। यूज मैंने छोड़ दिए, ये हो गई आपकी बात है। अब मैं आपको एक नया प्रेजेंटेशन, एक नया क्वेश्चन और देने जा रहा हूँ, जिससे वेब वाले क्वेश्चन आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिक्कत नहीं आती, मेरी श्योरिटी है। ये बिल्कुल आपकी बात क्लियर हो रही है ना जी। थैंक्स, थैंक्स वेरी मच बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।